हाय, वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, राजन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज व्हाइल अमित कैन डू इट इन 30 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट इट इफ दे वर्क टुगेदर। मतलब कह रहा है कि राजन जो है अकेले एक पीस ऑफ वर्क को, देखिए एक बड़ा सा वर्क है, उसका एक पीस है, एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो 24 डेज में कंप्लीट हो जा रहा है राजन के द्वारा, राइट। 24 डेज लग रहा है। While Amit can do it in 30 days, और उसी काम को अमित जो है 30 डेज में अकेले कर सकता है। अब ये पूछ रहा है कि दोनों मिल करके उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपका कॉन्सेप्ट ऐसे होना चाहिए कि एक दिन का निकाल लो पहले दोनों का अलग अलग, मतलब कि राजन जो है एक दिन में कितना काम करेगा, उसके बाद अमित एक दिन में उसी काम को कितने दिन में करेगा। और दोनों का जो निकल गया एक दिन में जितना भी काम निकला हो उसको जोड़ दो, क्या निकलेगा, ऐड कर दो। मतलब क्या निकलेगा उसमें, राजन और अमित दोनों के द्वारा एक दिन में जो काम होगा वो निकल जाएगा, वो अमाउंट, और उसके बाद यूनिटरी मेथड लगा देंगे, हमारा हो जाएगा। चलिए यही काम हमें करना है। तो यहाँ पर बारी बारी से सॉल्व करते हैं, तो समझते हैं। यहाँ पर पहले पहले लिखेंगे कि टाइम टेकन टू डू द वर्क बाय राजन इज इक्वल टू 24 डेज। ओके, तो हम यहां पर अप्लाई करेंगे यूनिटरी मेथड और हम निकालेंगे कि 24 डेज में यदि होल अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है राजन के द्वारा तो वन डे में कितना होगा। मतलब हम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, समझिएगा यहां पर ऐसे कि 24 डेज में वन अमाउंट ऑफ वर्क, राइट। तो वन डे में कितना, वन डे में डिवाइड कर देंगे 1/24 अमाउंट ऑफ वर्क। ओके, तो हम वन डे में लिखेंगे राजन का, आप लिखेंगे कैसे, लिख सकते हैं कि सो राजन्स यहां पे लिख सकते हैं वन डेज वर्क, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वर्क मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। राजन का एक दिन का जो काम होगा जितना भी होगा वो होगा 1/24। तो लिखेंगे आप ऐसे, लेकिन रफली आप समझेंगे ऐसे, मतलब यूनिटरी मेथड के हिसाब से एवरी टाइम जब सॉल्व करेंगे। तो 1/24, राइट। अब जो है निकालेंगे टाइम जो लग रहा है अमित के द्वारा, तो वो लिख लेंगे कि टाइम टेकन बाय टू डू द सेम वर्क बाई अमित। अब जो है अमित के द्वारा सेम वर्क करने में जो टाइम लग रहा है वो हो गया यहां पर 30 डेज। अब रफली हम कैसे समझेंगे, ये लिखेंगे कि 30 डेज में वन अमाउंट ऑफ वर्क, तो वन डे में कितना होगा, लगाइए आप यूनिटी मेथड, 30 से डिवाइड कर देंगे 1/30 अमाउंट ऑफ वर्क हो जाएगा। तो वही लिखेंगे अमित का एक दिन का, क्या लिखेंगे, अमित्स वन डेज वर्क इज इक्वल टू 1/30, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं क्योंकि रफ डायग्राम रफली है, रफ यहां पर करना है बस। ओके, तो अब यहां पर 1/30 जो है अमाउंट ऑफ वर्क है जो अमित के द्वारा एक दिन में हो रहा है और राजन के द्वारा एक दिन में जो वर्क हो रहा है 1/24 हो रहा है। अब दोनों के द्वारा मिल करके एक दिन में कितना होगा, तो दोनों वर्क को ऐड कर देंगे, तो लिख देंगे राजन एंड अमित, राजन एंड अमित, ठीक है, राजन एंड अमित वन डेज वर्क। इन दोनों का जो वन डेज वर्क होगा वो हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे बस, जैसे हम ऐड करते हैं,
1/24 + 1/30, ये अमाउंट ऑफ वर्क एक दिन का है, ये दूसरे दिन का है, दोनों को ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा कि दोनों मिलकर के कितना कर रहे हैं एक दिन में। अब इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बोला था। तो 24 और 30 का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है हमें पता करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पर हम पता कर लेते हैं, तो लिखेंगे 24 30, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 3 से ले जाएंगे, 3 8 जा 3 1 जा 2, से ले लीजिए 2 4 जा 2 5 जा, उसके बाद से 4 से लगेगा 4 1 जा 5, 5 से लगेगा 1 1, तो मिल गया हमें 5 4 जा 20 और 3 2 जा 6, 26 जा 120, तो मिल जाएगा इसका एलसीएम 120। ठीक है, तो ये रफ है तो इसको हम हटा देंगे। तो अब यहाँ पर 120 एलसीएम जो आया था, अब यहाँ पर ले लेंगे, तो यहाँ पर इज इक्वल टू, यहाँ पर ले लेते हैं 120 एलसीएम, 24 से डिवाइड करेंगे 12 में तो मिलेगा 5, 24 5 जा कितना होता है 120 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 30 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 34 जो होता है 120। ओके, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मिलेगा 9/120। अब ये जो 9/120 आया है क्या है, ये जो है राजन और अमित के द्वारा एक दिन में किया गया वर्क है, एक दिन में दोनों मिल करके जितना अमाउंट ऑफ वर्क करेंगे वो है 9/120। ठीक है, अब हमें एक दिन का मिल गया कि अमाउंट ऑफ वर्क, तो हमें मिल जाएगा कि पूरा होल अमाउंट ऑफ वर्क कितने में होगा बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड। कैसे करेंगे यूनिटरी मेथड का यूज, इस तरीके से कि 9/120 अमाउंट ऑफ वर्क जो है किया जा रहा है वन डे में दोनों के द्वारा। ठीक है, तो वन अमाउंट ऑफ वर्क मतलब कि पूरा होल अमाउंट ऑफ वर्क कितने में हो जाएगा, तो इसको ट्रांसपोज करेंगे उधर, मीन्स 120 से मल्टीप्लाई करेंगे वन में तो इतना ही रहेगा, अपान ये 9 से डिवाइड कर देंगे, मतलब इसको केवल उल्टा कर देंगे, कहने का मतलब है। ओके, तो 120 अपान 9 हो जाएगा, और इसी को जब डिवाइड करेंगे तो जो मिलेगा मीन्स 9 1 9, 3 बचा 30 हो गया, 9 3 जा 27, एंड 3 बचेगा 3/9। ओके, और 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, मीन्स मिल जाएगा 13 होल 1/3 डेज। तो इसी बात को हम लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, रफली हमने निकाल लिया कि 120/9 होगा, इसको मिटा देते हैं और हम लिख लेते हैं, मतलब यूनिटरी मेथड लगा करके ही आपको निकालना है, ये समझ जाइए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि हेंस टाइम टेकन बाई बोथ टू डू द वर्क इज इक्वल टू 120/9, राइट, लिखेंगे हम 120/9। अभी 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो 9 1 जा 9, कितना बचा 3 बचा 30 हो गया, 9 3 जा 27, 3 बचा कैरी ओवर रिमाइंडर 3/9, और यहाँ 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, यहाँ पे हो जाएगा 13 होल 1/3 डेज, राइट। तो ये आपका आंसर है, मतलब इतने डेज में दोनों मिलकर के उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको निकालना है, क्या तरीका है, पहले पहले दोनों के द्वारा एक दिन में जितना का वर्क हो रहा है वो निकाल लो, उसके बाद से दोनों को ऐड कर दोगे तो मिल जाएगा कि एक दिन में दोनों मिल करके कितना कर रहे हैं एक दिन में, उसके बाद यूनिटरी मेथड लगा करके पूरा कंप्लीट अमाउंट ऑफ वर्क कितने में हो रहा है कितने दिन में ये निकल जाएगा, राइट। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा, तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर करिए, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखा करिए। ओके, यदि डाउट नहीं भी है तब भी यदि लिखें कुछ कमेंट में तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।